Assalamualaikum everyone. What a beautiful weather. खूबसूरत सुहाना मौसम है इस्लामाबाद में. आज है जी हमारे पास मंडे एंड आई गेस इट्स 27th if I'm not wrong. मैं इस वक्त जो है ना अपने लॉन में खड़ी हुई हूँ और मैंने कहा आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं. तकरीबन 4:30 हो रहे हैं. बैटरी मेरी बिल्कुल लो है. दो व्लॉग्स मैं ऑलरेडी एडिट कर रही थी आज पोस्ट करने के लिए और कल पोस्ट करने के लिए, लेकिन मैंने कहा व्लॉग तो आज का स्टार्ट करना है इससे पहले कि बारिश हो जाए. और दो दिन से मैं कमरे से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो आज हम बाहर करते हैं व्लॉग. मौसम बहुत अच्छा है, बादल बने हुए, अल्लाह करे यार बारिश अगर हो जाए तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाएगा. लेकिन आज वापसी पे बहुत गर्मी नहीं थी क्योंकि मौसम अच्छा था, तो मैंने बड़ा इन्जॉय किया आज और रोज़ा भी अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह. आपको हालत से लग रहा होगा कि थोड़ी थोड़ी डाउन भी हूँ, लेकिन ये है कि व्लॉग तो करना है. तो यार रमज़ान है, आगे पीछे हो जाता है, तबीयत वगैरह भी सारी चीज़ें कह रही थी कि रमज़ान है, सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, तबीयत वगैरह भी, लेकिन ये है कि ब्लॉग तो करना है. तो आप लोगों ने ये करना है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फॉरन से सब्सक्राइब कर दें. यहाँ पे एक बेल आइकॉन बना होगा उसको भी दबाना ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिले. इसके अलावा ये कि वीडियो पसंद आए तो एंड तक लाइक करें एंड लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग. आज मेरा दिल कर रहा था कुछ अच्छा सा बनाने का, टेस्टी सा बनाने का, स्पाइसी सा बनाने का, और हमने कहा यार पकौड़े समोसे खा के रच चुके हैं, आज हम बनाएंगे अपने किचन में रोल्स. आई एम गोइंग टू गो टू द किचन, मी राबेल एंड आयसा, मी एंड राबेल, आई डोंट नो, बट वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर एंड कुक. हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, एक घंटा है बनानी. और अम्मी ने जो रोल्स बनाए हैं कल के ब्लॉग में यार, तो भाई रोल्स वो भी फ्राई करेंगे क्योंकि ज़ाया तो नहीं करने. स्पाइसी बहुत ज़्यादा है लेकिन ज़ाया नहीं करेंगे, खाएंगे हम लोग ठीक है, चटनी के साथ ज़्यादा ही मिला के. सो लेट्स गो टू द किचन, लेट्स गेट कुक, लेट्स गो टू द किचन, लेट्स गेट कुकिंग, लेट्स गेट कुकिंग, लेट्स गो इनसाइड एंड सी कि क्या बनता है. बाकी कि यार मौसम बड़ा अच्छा है और मौसम अच्छा होना तो आपका सब कुछ करने का दिल करता है अच्छा अच्छा और अबू तहरीन गए हैं बाहर अकेडमी तहरीन की, अम्मी सो रही हैं, मैं राबेल आयज़ा घर पे हैं, आयज़ा ने अभी किचन साफ़ किया है, राबेल नमाज़ पढ़ रही है, मैंने कुरान क्लास ली है अभी और अब किचन में चलते हैं और थोड़ा बहुत काम है वो करते हैं जी. अम्मी अच्छा जी यार फ़ोन में बाहर अपना रख गई थी, फ़ोन मैंने उठाया, अभी यहाँ पे हम फ़ोन रखते हैं. देखो मैंने बताया था कि आयज़ा हमने आज रोल पराठे बनाने अभी डिस्कस ही कर रहे थे कि आज का मेन्यू, तो आयज़ा ने जो है ना वो प्याज काट दी है, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं पानी. हाँ टूटने में कोई कसर नहीं रही मेरी, ऑलमोस्ट टूट ही गया. अच्छा यार पानी हमने इसमें डाल लिया, इसको यहाँ पे रख देते हैं और उसके बाद हम तैयारी करते हैं बाकी पकौड़ों की. पकौड़ों के लिए हम लोग ले लेते हैं एक आलू और उसके अलावा हम लोग ले लेते हैं अपने दो प्याज और ये आई थिंक नहीं थोड़ा बड़ा ले लेते हैं प्याज क्योंकि मजाक ही हो जाएगा, एक आलू और ये प्याज, दैट्स इट. हम धो लेते हैं आयज़ा ने इतनी देर में चिकन निकाल लिया, चिकन मैरिनेट मैंने किया हुआ था, सारे मसाले डाल के मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरह से करना है और आ जाते हैं ज़रा यहाँ पे. अच्छा यार ये हमारे पास हमारा चिकन है, इसके अंदर जो है ना मैंने डाला हुआ है नमक, लाल मिर्च, टिक्का मसाला, तीनों सॉसेज डाले हुए हैं और इसको हमने कर दिया था बड़े अच्छे से मैरिनेट. लहसुन अदरक का पेस्ट आप डाल सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू, लेकिन मैंने नहीं डाला था. सो इसको आप कर लें फ्रीज़, कभी भी यूज़ कर सकते हैं, पकौड़ों के लिए, समोसों के लिए और रोल पराठे के लिए, फ्राई करने के लिए, स्नैक्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए. सो ये अभी हम यूज़ करेंगे रोल पराठे के लिए. मैं जो है ना वो टाइम सेव करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने पास बेसन भी बना के रखा हुआ है. बेसन में हमारे पास बेसन का मिक्स बनाया हुआ है मैंने, इस बेसन के अंदर मैंने नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया सारी चीज़ें डाल ली हैं और यार ज़िंदगी आसान हो जाती है. तो आप पकौड़ा मिक्स घर पे बना सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें डाल के और स्टोर कर लेते हैं. एक प्लेट नहीं, हमें एक बाउल चाहिए, ये वाला थोड़ा सा बड़ा, बल्कि ये वाला बाउल, ये वाला बाउल लेते हैं, इसके अंदर सारा सामान डालते हैं पकौड़ों का और उसके बाद हम लोग कर लेते हैं पकौड़ा मिक्स इसमें ऐड. अब हमारे पास यहाँ पे प्याज हो गया है डन हमारा, हमने प्याज और आलू धो लिए हैं और इसको हम करेंगे मिक्स. बहुत आसान रेसिपी है, कुकिंग को जितना मुश्किल बनाना वो उतनी मुश्किल होती है, तो आपने कुकिंग करना है आसान मेरी तरह. और इसके अंदर अब डालना है आपने बेसन, बेसन आपने इतना डालना है कि ये जो है ना सारा कोट हो जाए, यानी कि आपने बेसन डाल के और इसके बाद इसको ऐसे करना है मिक्स, क्योंकि ऑलरेडी गीला गीला ना थोड़ा, तो बेसन इसको चिपक चिपका लेगा, ये अपने आप के साथ बेसन चिपका लेगा और उसके बाद इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी. अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे, सब कुछ इसके अंदर डला हुआ है, इस बेसन के अंदर नमक, लाल मिर्च, काले मिर्च, नहीं काले मिर्च नहीं, ज़ीरा, सूखा धनिया और आप कुछ भी डाल सकते हैं. इसके अंदर और बेसन डाला है मैंने और अब इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स. अच्छा जी अब हमारे पास है रोल्स, यहाँ पे चार पुराने रोल्स हैं कल वाले और 19 रोल्स थे और मिर्चें छिली थी, सबने ड्रामे किए हैं लेकिन खा सबने नहीं है, मतलब
मैं हैरान हूँ, ये वाले रोल मैंने रखे हैं यहाँ पीछे करके बस छुपा के बिल्कुल। हमारे पास ये वाले रोल हैं जो पुराने हमने बनाए थे रमज़ान की प्रिपरेशन वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो वो देखें, यहाँ अटैच कर देती हूँ, एंड पे जाकर देख लेना, बड़े मज़े की वीडियो थी। ठीक है जी, ये हम बना लेते हैं, सात हो गए ना, चार पाँच छः सात, सात रोल्स। अब मैंने आग लगा दी है बहुत अच्छी कढ़ाई के नीचे, बस हम इसमें और तेल डालेंगे बिकॉज तेल कढ़ाई में है कम। साइड हम फ्रिज से निकाल लेते हैं अपना दही, आई होप कि दही पड़ा हो, नहीं तो नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब कि चटनी नहीं बनेगी। खजूरें निकाल लेते हैं, फिर खजूरों को हम निकाल लेते हैं, धो लेते हैं खजूरें, काफ़ी है। चिकन को हम कर लेंगे डिफ्रॉस्ट, एक हम ले लेंगे सॉस पैन, इसको हम रखेंगे आग पे, इसमें डालेंगे ऑयल यहीं से निकाल के, लोग डाल देंगे अपना चिकन, वो अपना शरबत भी बना लेंगे साथ साथ, थोड़ा सा शरबत पहले का पड़ा, इसी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लोग ऐड करेंगे पानी, हम लोग चीनी नहीं डालते रूह अफ़ज़ा के अंदर, ऐसे ही बना लेते हैं, तो ऑलमोस्ट हमने आधी बोतल रूह अफ़ज़ा की बना लेनी है, इतनी काफ़ी है। और शंग्रीला की बोतल हम बाहर रखेंगे टेबल पर, क्योंकि केचप जो है सबको बहुत पसंद है, मुझे भी। सो या हमारे पास खजूरें और ग्लास हमने रख दिए हैं, केचप की बोतल हम लोग यहाँ पे रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। वो हम थोड़ा सा उल्टा पलटा लेंगे क्योंकि चिकन जलना नहीं चाहिए और ये फ़ौरन ही कुक हो जाएगा हमारा, इससे तीन चार पराठे बन जाएंगे, क्योंकि हमने प्याज भी डालना है, सॉसेस भी डालने हैं और छोटे पराठे बनाने हैं, और इसको श्रेड भी करना है हमने, मायो डालेंगे, गार्लिक सॉस डालेंगे तो अच्छा बनेगा, और इसको थोड़ा सा और स्पाइसी भी करेंगे हम लोग अभी। सोया मैं इसके अंदर पकोड़े डालूंगी, और पकोड़ों के लिए मैंने जो है ना इतना इतना छोटा छोटा सा मिक्सचर ले लेना, बिल्कुल ना होने के बराबर लाइक ये, और इसको मैं ऐड करती जाऊंगी कढ़ाई में बिस्मिल्लाह पढ़ के। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी सी बॉल्स, ये देखें, ये देखें, ये कितने मज़े के बनेंगे छोटे छोटे, नाइस से। मैं हाथ से डाल लेती हूँ, बहुत छोटे डाल दिए प्यारे प्यारे, मैं पहले बहुत बड़े डाल दी थी। पकोड़े हमारे सारे गए हैं डल, और अब हम लोगों ने ये बाउल यहाँ पे रख देना धुलने के लिए, पकोड़ों को हम थोड़ा सा अल्टाएँ पलटाएँगे, ठीक, एक तरफ पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, एक तरफ हमारे पास चिकन का मिक्सचर बन रहा है। कभी भी ज़िंदगी में मैंने दो काम इकट्ठे पहले नहीं किए थे, मल्टीटास्किंग में करती हूँ, किचन में नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं प्रो नहीं हूँ, लेकिन आप देख लें आप कि मैं जो है वो चार चार काम, रूह अफ़ज़ा भी बन रहा है, रोल्स भी निकल गए हैं, फ्राइंग भी हो रही है, इसकी भी तैयारी हो रही है। हमारे रोल जो है वो फ्राई हो रहे हैं और चिकन हमारा रेडी हो गया, इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया है। अब रबेल बनाएंगे पराठे और उसके अंदर बाकी चीज़ें मैं ऐड करूँगी, प्याज भी मैंने यहाँ पर काट लिया, इसके अंदर सिरका और नमक डालेंगे ताकि थोड़ा पिकली पिकली आए। अच्छा जी, अब हम लोगों ने बनाना है इसका मिक्स, उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं सॉसेस के लिए शंग्रीला का गार्लिक चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, और साथ मायनीज़ यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को हम मिलाएंगे, थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे नमक और ब्लैक पेपर इफ़ यू वांट टू, एंड देन आपने जो है ना इसको एज अ सॉस यूज़ करना। अब हम इसके ऊपर रोल देखो, अब हम रोटी के ऊपर लगाएंगे पराठे के ऊपर, लाइक तलूही रोटी टाइप है, पराठा नहीं है एक्चुअली और रोटी वाला ही है, इसके ऊपर हम लगाएंगे मायनीज और केचप का मिक्सचर अच्छे से, उसके ऊपर हम लोग अपना ये वाला मिक्सचर ऐड करेंगे, कितना काफ़ी है क्योंकि दो रोल्स बनाने हैं हम लोगों ने, और इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, और अब हम इस पर डालेंगे प्याज, प्याज के बाद थोड़ी सी और सॉस ऐसे, एंड देन वी विल रैप इट। अब हमने इसको करना है टूथपिक के साथ बंद,
हम लोग अपना दूसरा पराठा भी बना लेंगे, ठीक है जी। मिक्सचर पराठे पे लगाएंगे, सॉस लगाएंगे, ये डालेंगे, रैप करेंगे और दैट्स इट। ठीक है, और अभी रोल्स दो बना लिए सबके। ठीक है, चलो जी आयसा लेके जा रही है और अब हम जाएंगे जो है बाहर अफ्तारी करेंगे अपनी इंशाल्लाह। सो यार, दैट वाज इट अबाउट द रेसिपीज, क्विक मिनी रेसिपीज। घर तो मैं इस वक्त होने लगी हूँ थोड़े से तैयार, यानी कि सुबह का जो मूड नहीं हुआ हुआ मूड होंगे और हल्की सी क्लिनजिंग करने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत तैयार होंगे। सो लेट्स गेट रेडी। हम लोग लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मुझे आदत है सन ब्लॉक लगाने की, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वन एंड दिस इज सेव करने का। ख़त्म ही हो गया अब तो। हम लोग लगाएंगे टेंट इसी को चीक्स पे भी। मैं इधर नहीं, इधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि कैमरा में नज़र नहीं आता ना। फिर बिल अपाए परफ्यूम्स, मुझे ये बॉडी मिस्ट बड़ा पसंद है बिकॉज इट इज़ फ्रूटी पीची। ठीक है, दराज से मिल जाएगा शायद आपको, मैंने बिल सईद से लिया था। खाड़ी का वनीला, वनीला स्केप, ये भी बहुत अच्छा है। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस कपड़ों के ऊपर। दिल कर रहा है तो मैं थोड़ा सा आई लाइनर लगाऊँगी और आई लाइनर मैं बिल्कुल कॉर्नर्स पर लगाती हूँ, कॉर्नर्स पर ऐसा। That's it. I don't know if it makes sense to you, लेकिन इससे ना आँखें बड़ी प्यारी। So as Vasudha said, we are going to make a roll paratha for him. For that we have camera data क्यों है? For that we have chicken tikka masala, sauces और chicken है, ठीक है जी। Sauce बनाएंगे जैसे पहले बनाई थी, marinate करेंगे और सब कुछ ऐड कर देंगे। ठीक है, पराठे में पराठा बराबेल बनाएंगे क्योंकि वो अच्छी सी रोटी बनाती है, कूल, दैट्स वाई। और बाकी इजी है यार, इतनी कोई बड़ी रेसिपी नहीं है जो मैं आप लोगों को सिखाऊँ, क्योंकि बता रहे आप लोगों को पहले ही चुकी हूँ सारी चीज़। मेरे पास जो है वो टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं चिकन को मैरिनेट करूँ और उसके बाद इतना लंबा सारा प्रोसेस करूँ, तो मैंने क्या किया कि इस सॉस पैन के अंदर चिकन, सॉसेस, सारे मसाले, ऑयल, पानी सब कुछ डाल के जो है ना इसमें छोड़ दिया। इसी के अंदर चिकन खोला, इसी के अंदर चिकन पकेगा और मैरिनेशन का कोई टाइम नहीं है। उसके बाद ये कि रामेल पराठा बनाएगी तो और बस फिर हम लोग बनाएंगे एंड बाकी का जो है ये कि इसको शेड करेंगे हम। एंड आज का ब्लॉग कर रही हूँ ख़त्म। इंशाल्लाह आई विल कैच यू गाइस टुमारो विद अ न्यू ब्लॉग। टिल दैट टाइम टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू गाइस हैवंट डन येट। यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन बनी होगी, उसको भी दबा दें, उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिले। एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। चल कैच यू गाइस टुमारो विद अ न्यू ब्लॉग। ओके, बाय।